हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर आई एडवांस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये फिजिक्स का एट्थ यूनिट है और आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक्स को कवर किया गया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है अ कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल आइसोस आइसोसोल ट्रगल

ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है द करेंट इन द ट्राइंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड इंक्रीज एट द कॉन्स्टेंट रेट टेन एम पर सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा है पहले हम लोग इसको समझ लें क्वेश्चन में ऐसा लिखा है देखो ये एक वायर है इंफेनाटली लॉन्ग और ये एक दूसरा ट्रायंगुलर फ्रेम है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ठीक है ये 90 डिग्री है ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये इसके ठीक पास में ही है लेकिन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है अब हम लोग चेक करते हैं करेंट इसमें इंक्रीज हो रहा है डी आई बाई डी टी ये क्या लिखा है टेन एम्पियर पर सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द इंड्यूस्ड करेंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेनियस पहले हम लोगों को चेक करना है कि जो ये इंफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा एक सिंपल से बात करें कि करंट इंक्रीज हो रहा है अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये जो ट्रेंगुलर फ्रेम है इसके अंदर का फ्लक्स भी इंक्रीज होगा ये क्लियर हुआ करंट इंक्रीज हो रहा है ना इस डायरेक्शन में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं राइट हैंड थंब रूल से तो जो मैक्म यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसको डिक्रीज करने के लिए लेंच लॉ के अकॉर्डिंग करंट जो इंड्यूस्ड होगा इसमें उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे यानी असल में जो करंट फ्लो होना चाहिए वह ऐसा राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण डायरेक्शन किधर था टूवर्ड्स इंड्यूस्ड करंट के कारण अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा यानी कि ये दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए यहां पे क्या लिखा है अपोजिट डायरेक्शन तो पहला स्टेटमेंट पहला ऑप्शन गलत है सेकंड में लिखा है देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप ध्यान से समझना ये पूरे लूप की बात करें ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इन दोनों में अगर हम लोग ऐसा मान लें ये वाले सेक्शन की बात करें इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ होगा अलग अलग सेगमेंट में आई एल क्रॉस भी करेंगे इस तरफ इसपे फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा इधर ज्यादा होगा ठीक है ऐसे ही इस पे जो फोर्स लगेगा अगर आई एल क्रॉस बी लिखेंगे इस डायरेक्शन में है आई एल क्रॉस बी तो फोर्स कुछ ऐसा लगेगा ये समझ पा रहे हो अब अगर हर एक फोर्स के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स इस वायर पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था जो डिस्टेंस इसका ज्यादा है ये दोनों वायर ज्यादा पास है उस पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा यानी ओवरऑल जो नेट फोर्स लगेगा इस ट्रेंगुलर लूप पर वो रिपल्सिव होगा यहां क्या लिखा है रिपल्सिव फोर्स ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन की बात करें इसमें लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द वायर इज ये वायर में कितना इंड्यूस्ड ई एम एफ है उसको तो कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे फोर्थ ऑप्शन को एक बार देखे इसमें लिखा है इफ द लूप इज रोटेटेड एट अ एंगुलर स्पीड कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर एन एडिशनल ऑफ़ नॉट बाई पाई वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द वायर इस वायर को ऐसे रोटेट कर रहे ध्यान से समझना ये हम लोग मान लें ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और एक ट्रैंगुलर लूप यहां पर है अगर आप इस ट्रैंगर लूप को ऐसे रोटेट करोगे तो उससे जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज नहीं होगा रोटेट करने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा कोई ईएमएफ एम नहीं होगा यहाँ लिखा है एडिशनल ईएमएफ, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया अब थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे सेकेंड करेक्ट है थर्ड में लिखा है म्यू नॉट बाई पाई एक ये डेटा है जिसको हम लोगों को यूज़ करना है एक ये टेन सेंटीमीटर अब सॉल्व करते हैं यहां से ऐसे एक लाइन ड्रा कर दें यह भी 45 डिग्री होगा यह भी 45 डिग्री होगा पहले म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है और उसके बाद फिर हम लोग ई फाइंड कर पाएंगे तो अभी ऐसा मान लेते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसके कारण ये जो ट्रैंगुलर लूप है इस लूप में कुछ ना कुछ ई एम इंड्यूस्ड होगा अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे देखो फ्लक्स एम इंटू आई होता है तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा बस हमारा काम है पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड करना ध्यान से समझो बच्चों एक थेन स्ट्रिप यहां कंसिडर कर लिया ये डिस्टेंस एक्स इसकी थिकनेस ये डी एक्स अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स होगा क्योंकि ये फोर्टी फाइव डिग्री है तो ये x ये भी x टोटल लेंथ 2x उस छोटे से सेगमेंट इस छोटे से स्ट्रिप की अगर एरिया की बात करें एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू वेथ टू एक्स इंटू डी एक्स एरिया समझ गया ना ठीक है अब देखो एरिया मिल गया करंट यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई इंटू एक्स इंफिनेटली लॉन्ग वायर के कारण पहले फ्लक्स लिख दें बी इंटू डी ए म्यू आई बाई टू पाई एक्स और एरिया है टू एक्स डी एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया म्यू नॉट आई बाई पाई कॉन्स्टेंट है अलग लिख दो और डी एक्स बचा जिसको इंटीग्रेट करेंगे नेट फ्लक्स मिल जाएगा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू इंटरीग्रेशन ऑफ डी एक्स और ये डी एक्स का इंटरगेशन कहाँ से कहाँ तक करना है जीरो से टेन सेंटीमीटर तक के लिए जीरो से अभी आप इसको एच नाम दे दो तो ज़ीरो से एच के लिए इंट्रीगेट करना है पाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई एच बाई पाई इसको हम लोग एम इंटू आई लिख दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया म्यू नॉट एच बाय पाई ये म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया ठीक है हम लोग को फाइंड क्या करना था ई एम एफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दोनों में सेम ही होता है अगर इसमें करंट फ्लो हो इसमें हम लोग चेक करें म्यूचुअल इंडक्टेंस या ट्रेंगुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा हो और इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया है ई एम एफ की बात करें ई एम एफ होता है एम डी आई बाई डी टी प्लस माइनस तो सिर्फ साइन के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ये देखो म्यू नॉट एच बाय पाई डी आई बाई डी टी की वैल्यू टेन गिवन है और एच की वैल्यू क्या गिवन है टेन सेंटीमीटर यानी पॉइंट वन अगर आप एच के बदले पॉइंट वन पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय पाई और यही लिखा था ऑप्शन में इंड्यूस टी एम एफ म्यू नॉट पाई यानी वो ऑप्शन भी करेक्ट है वापस आते हैं देखो क्या लिखा है म्यू नॉट बाई पाई ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर टू तो पहले ही बताया मैंने करेक्ट है यानी इसके सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट इनकरेक्ट है फोर्थ इनकरेक्ट है अब हम लोग आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू देखो इसमें क्या लिखा है टू इंडक्टर्स इंडक्टेंस वन मिली हेनरी इंटरनल रेसिस्टेंस थ्री ओम एंड एल टू इसका इंडकटेंस दिया है इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है एक रेसिस्टर है ऑल आर कनेक्टेड इन पैरल अक्रॉस फाइव वोल्ट बैटरी द सर्किट इज स्विचड ऑन एड टी इक्वल्स टू जीरो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज जो क्वेश्चन दिया है बच्चों उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक्चुअली ये इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस भी है रेसिस्टेंस भी है रेसिस्टेंस को अलग से रिप्रेजेंट कर दिया है इसी इंडक्टर का इंडक्टेंस है वन मिली हेनरी और इसी का रेसिस्टेंस है थ्री ओम दोनों को अल अलग अलग सेपरेट सिर्फ समझाने के लिए रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एल टू ये टू मिली हेनरी गिवन है और रेसिस्टेंस फोर ओम फिर ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग आठ से रिप्रेजेंट कर दें ये ट्वेल्व ओम गिवन है यहां फाइव वोल्ट बैटरी एक स्विच लगा देते स्विच को T इक्वल्स टू जीरो पर क्लोज किया गया है जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा देखो यहां से भी करंट फ्लो होने लग जाएगा ये दोनों एट टी इक्वल टू जीरो इसका रेसिस्टेंस मतलब ये जो है ना ये दोनों करंट फ्लो होने नहीं देगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इससे और इससे इक्वल टू जीरो करंट जीरो होगा यानी इन दोनों में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा करंट सिर्फ यहां से फ्लो होगा और वो करंट कितना होगा फाइव बाई ट्वेल्व और ये मिनिमम करंट है जैसे जैसे टाइम पास होगा यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा यहां से भी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और स्टडी स्टेट में यानी कि जब बहुत देर हो जाए फिर तीनों से करंट फ्लो होने लग जाएगा और तब फाइनल करंट की बात करें इन तीनों करंट का सम हो जाएगा यानी हम लोग क्या लिखेंगे देखो मैक्सिमम करंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम करंट में एक तो आ जाएगा फाइव बाई थ्री दूसरा आ जाएगा फाइव बाई फोर और तीसरा आ जाएगा फाइव बाई ट्वेल्व यह मैक्सिमम करेंट है यह मिनिमम करेंट है हमें क्या फाइंड करना है दोनों का रेशियो यहां लिख देते हैं मैक्सिमम करेंट बाई मिनिमम करेंट ये हो जाएगा देखो फाइव कैंसल कर दें इसमें भी फाइव कॉमन ले लो ये तो फाइव इंटू वन बाई ट्वेल्व है और ये फाइव इंटू यहाँ पर एल्शियम ले लें थ्री ये फोर होगा यहाँ थ्री होगा यहाँ वन होगा ऐसा लिख देते जब आप रेशियो निकालोगे तो फाइव कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा ये टर्म ऊपर आएगा फोर प्लस थ्री प्लस वन यानी एट ऊपर आएगा वन नीचे आएगा रेशियो हो जाएगा एट बाई वन यानी एट लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों एट ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री देखो इसमें लिखा है प्लेन ऑफ द पेपर एट टू जीरो द राइट एज ऑफ द लूप एंटर्स इन रीजन ऑफ लेंथ थ्री एल Where there is a uniform magnetic field B0 into the plane of the paper as shown in the figure. For sufficiently large V0, the loop eventually crosses the region. Let X be the location of the loop. Let Vx, Ix, and Fx represent the velocity of the loop, current in the loop, and force on the loop, respectively. As a function of X, काउंटर क्लॉक वाइज करेंट इजन एज पॉजिटिव इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंट है उसको पॉजिटिव लिया गया है which of the following schematic plots are correct. चार हमें बताना है कि कौन सा सही है देखो ये फिगर गिवेन है बच्चो यहाँ पर यह एक लूप है और ये लूप इस तरफ एंटर कर रहा है टीव टू जीरो पर यह वाला इन जैसे ही एंटर करेगा इससे फ्लक्स इंक्रीज होने लग जाएगा और फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब इसमें एक ई एम एफ भी इंड्यूस्ड होगा करंट फ्लो होगा क्योंकि क्लोज लूप है एक फोर्स भी लग जाएगा क्रॉस तो यहाँ पर अलग अलग स्पीड की बात करते हैं है, है. चेक करते बच्चों. जब ये वायर यहां पर एंटर करेगा वायर ऐसे है मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्यू वी क्रॉस बी अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इधर v क्रॉस v तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे हो जाएगा जब ये एंटर कर रहा होगा तो करंट शुरुआत में ऐसा होगा और अब अगर हम लोग इस इतने से पार्ट पे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है आई एल क्रॉस बी एल से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर ले तो फोर्स इधर होगा यानी ये फोर्स इसके स्पीड को कम करेगा रिटार्डिंग फोर्स है तो इनिशियली स्पीड कम होता जाएगा देखो स्पीड यहाँ कम हो रहा है और फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है यहाँ पे नेगेटिव लिखा है फोर्स धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी जब ये आगे एंटर कर रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी कम स्पीड कम हो गई तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कम हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कम हो गया ई कम हो जाएगा करेंट कम हो जाएगा फोर्स भी कम हो जाएगा तो फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है ठीक है एक बार पूरी तरह से एंटर कर गया और उसके बाद इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं है कोई करंट नहीं कोई फोर्स नहीं फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये बाहर निकलने लगता है उस वक्त देखो जैसे ही बाहर इसका कुछ पार्ट निकल गया अब ये वाले पार्ट में ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा करंट ऐसा फ्लो होगा और इसके कारण अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा ठीक है करंट का डायरेक्शन बदल गया लेकिन फोर्स की बात करें इस पर अभी भी फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा जबकि यहां पर देखो फोर्स पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव फोर्स का डायरेक्शन सेम है इसमें उल्टा डायरेक्शन लिखा है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है अब हम लोग करंट की बात करते हैं करंट देखो पहले इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया करंट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ फर्स्ट इनकरेक्ट है ठीक है यहाँ देखो करंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्पीड कम हो रही है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है स्पीड कम तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कम हो गया यानी कि ईएमएफ कम हो गया इसलिए करंट भी कम हो गया तो करंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये लीनियरली डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए करंट भी लीनियरली डिक्रीज होगा इसमें भी करंट डिक्रीज़ हो रहा था लेकिन बाद में डायरेक्शन उल्टा है जब एक बार पूरी तरह से ये एंटर कर गया उसके बाद कोई करंट इसमें इंड्यूस्ड नहीं होगा उसके बाद फाइनली करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा और धीरे 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 क्योंकि वेलोसिटी और इसकी कम हो रही है तो धीरे धीरे जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो कम ही होता जाएगा इसलिए करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी ये ऑप्शन करेक्ट है अब एक और बच गया स्पीड स्पीड की बात करें बच्चों देखो यहां पर मैंने कहा कि स्पीड कम होती जा रही है जब तक चेंज इन फ्लक्स है तब तक एक रिटार्डिंग फोर्स है और ये रिटार्डिंग फोर्स स्पीड को कम कर रहा है तो स्पीड कम हो गया यहाँ तक एल डिस्टेंस आने के बाद जब ये लूप पूरी तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसके बाद कोई चेंज इन फ्लक्स नहीं है और जब चेंज इन फ्लक्स नहीं है तो इसमें कोई ई इंड्यूस नहीं हो रहा वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगा कोई करंट नहीं ठीक है अब इसके बाद यहां तक तो स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट है जब यह बाहर निकलने लगा फिर से अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटर्निंग फोर्स है स्पीड और कम हो जाएगी और ये लीनियरली वेरी करेगा लीनियरली इसलिए क्योंकि वेलोसिटी जो है आप टाइम के साथ अगर इक्वेशन लिखोगे लीनियर रिलेशन आएगा तो इस हिसाब से यहां पर हम लोग को एक्स के साथ लिखना है एक्स के साथ ये लीनियर रिलेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ ये दोनों करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड इनकरेक्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट एग्जैक्टली इक्वेशन लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ये जो स्केमेटिक है आप सिर्फ समझ करके इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर थ्री था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर देखो इसमें क्या लिखा है अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ टू लूप्स ऑफ एरिया ए एंड टू ए यहाँ फिगर में दिया है दो अलग अलग लूप बनाया गया है एक का एरिया ए है दूसरे का टू ए एसन इन द फिगर एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर यहां कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच ठीक है ना इंसुलेटेड है द इंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर एट टी इक्वल्स टू जीरो द लूप स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द कॉमन डायमीटर एस एक्सेस टी इक्वीरो पर यह यहां पर देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लग जा रहे हैं ये कॉमन एक्सेस है ये इसका डायमीटर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है ध्यान देना बच्चों सबसे पहले ऑप्शन वन की बात करें एम्प्लीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ई एम एफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल्स टू द एम्प्लीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड इन लूप अलोन चेक करते हैं एरिया ए और टू ए दिया हुआ है ये जब घूम रहा है इसमें फ्लक्स की बात करें फ्लक्स क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया इन टू कॉस्थीटा एक ही टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न वन लिखेंगे अभी किसी एक लूप की बात करते हैं यह थीटा को आप ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो तो अब अगर आप वैल्यू को पुट कर दो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी ये ईएमएफ होगा पहला ऑप्शन क्या लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ। ईएमएफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी अब अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो बी ए रहेगा एक ओमेगा आएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन में लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा तो साइन ओमेगा टी आएगा और चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे एक और ओमेगा आ जाएगा मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों जो ई एम एफ होगा इतने में आ जाना चाहिए देखो बी ओमेगा साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा ई एम एफ तो जिसके लिए एरिया ए है उसके लिए ई एम एफ में यहाँ पर बी ए ओमेगा टी आया जिसके लिए एरिया टू ए है उसके लिए डबल हो जाएगा यहाँ तक समझ में ठीक है अब देखो करंट की बात करें इसमें ई एम एफ ज़्यादा है तो अगर किसी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसका टर्न ऐसा है कि करंट ऐसे फ्लो होगा मान लो इस तरह से तो दोनों का ईएमएफ एक दूसरे के अपोजिट होगा यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा अगर हम लोग पोलैरिटी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें उससे आपको समझ में आएगा जैसे अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है ये अभी ऐसे घूम गया ठीक है यहाँ पर कहीं आ गया फिर चेंज होगा तो फ्लक्स जब चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सॉरी और दोनों में जो डायरेक्शन है बच्चों अगर एक में इस डायरेक्शन में ई एम एफ इंड्यूस्ड हो रहा है इसको ई टू से डिनोट कर देते इसमें भी उसी डायरेक्शन में होगा ऐसा ई वन नेट ई एम एफ की बात करें तो क्या हो जाएगा देखो करेंट का डायरेक्शन आप देखो यहां से ऐसे ये अपोज करेगा ना ई टू माइनस ई वन लिखेंगे और जब आप ई टू माइनस ई वन लिखोगे यहां पर ए है इसके लिए टू ए हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन है तो जब डिफरेंस निकालेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ई एम एफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इसको आप ई e मान लो इसको टू ई मान लो ये वैल्यू मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी क्या ले लेंगे वन ठीक है तो हम लोग ई नॉट और टू ई नॉट लिख देते हैं अब देखो ये टू ई नॉट है ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ये तो करेक्ट लिखा है बच्चों द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ई एम एफ इंड्यूस ड्यू टू बोथ द लूप इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ई नॉट के इक्वल होगा करेक्ट है पहला ऑप्शन सही है अब सेकंड सेकंड लूप ऑप्शन बात करते हैं इसमें लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर प्लेन ऑफ द लूप ठीक है ये ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर इधर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री जब एरिया 90 डिग्री हो गया ये जो थीटा है थीटा जिसको हम लोग ओमेगा टी लिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो मैक्सिमम होगा यहाँ लिखा है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स यही तो है डी फाइव बाई डी टी यानी ई एम एफ इज मैक्सिमम वेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर सही लिखा है सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है थर्ड ऑप्शन की बात करें द ई एम एफ इंडस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू लूप ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ देखो सम ऑफ एरियाज का मतलब क्या थ्री ए हो जाएगा लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें नेट ई एम एफ की तो उसमें सिर्फ ए आता है असल में डिफरेंस आता है तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं लिखेंगे फिर फोर्थ में लिखा है नेट ई एम एफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू कॉस टी डिफ्रेंशिएट करके क्या आ रहा है साइन यहाँ भी साइन आएगा एक में दूसरे में भी साइन आएगा प्रोपोर्शनल टू साइन टी होगा यहाँ लिखा है कॉस टी ये इनकरेक्ट है फर्स्ट और सेकेंड इसका करेक्ट होगा अब आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन इज इंट्रोड्यूस्ड एट ओरिजिन गिवन इनिशियल वेलोसिटी v इलेक्ट्रिक फील्ड e एंड मैग्नेटिक फील्ड b आर गिवन इन कॉलम 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली द क्वांटिटीज ई नॉट एंड बी नॉट आर पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड तो ये इन्फॉर्मेश गिवन है क्वेश्चन में लिखा है इन व्हिच केस वुड द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो स्ट्रेट लाइन पे पहले मूव करना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए नेगेटिव y एक्सिस ऑप्शंस को चेक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन लिखा है 3 2 p थ्री टू और P. ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो किधर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा देखो मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब ये पार्टिकल मूव करने लग जाएगा ठीक है शुरुआत में तो रेस्ट में है तो रेस्ट में होने का मतलब हम लोग इधर मान लें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग गया पार्टिकल इधर मूव करना शुरू करेगा जैसे ही पार्टिकल इधर मूव करने लग जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स लग जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इस तरफ है बी नॉट यहाँ पर है वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी जब एक बार मूव करने लग जाएगा तो क्यू वी क्रॉस बी यानी अगर हम लोग वी से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो एक डायरेक्शन इधर होगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग जाएगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और एक नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेट पाथ पे मूव कर नहीं पाएगा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है ठीक है अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या लिखा है टू थ्री क्यू टू थ्री क्यू पहले से पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यानी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग गया और देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है इस तरफ है बी नॉट अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो क्यू वी क्रॉस बी एक फोर्स किधर लग जाएगा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर से एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक नेगेटिव जेड डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ नहीं हो पाएगा ऑप्शन नंबर टू भी इनकरेक्ट है अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे बच्चों देखो, अगला ऑप्शन नंबर लिखा है पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में यानी यहां पर एक फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में और यहां वी लिख दें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इस तरफ ऐसे तो जब आप फोर्स की बात करोगे क्यू वी क्रॉस बी वो भी नीचे की तरफ है यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में तो उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाथ स्ट्रेट पाथ नहीं होगा स्ट्रेट लाइन पे ये भी मूव नहीं करेगा तो ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है अब जब तीन ऑप्शन इनकरेक्ट है तो फोर्थ करेक्ट होगा ही हम लोग फिर भी फोर्थ को चेक कर लेते हैं बच्चों फोर्थ में लिखा है थ्री टू आर थ्री टू आर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है मैग्नेटिक फोर्स पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में देखो नेगेटिव वाई डायरेक्शन हम लोग इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं यानी कि पार्टिकल नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा तो उसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा अब आगे बढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम पैराग्राफ है इसमें लिखा है इन विच केस पार्टिकल डिस्क्राइब हेलिकल पाथ

क्रॉस बी लिख देते हैं ठीक है तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा वेलोसिटी इधर या इधर ले ले तो फिर इसका जो मूवमेंट होगा हेलिकल पाथ पे होगा और पॉजिटिव जेट डायरेक्शन में होगा ठीक है अब हम लोग बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे सबसे पहला लिखा है टू टू आर अगर हम लोग टू टू आर की बात करें देखो जिधर इलेक्ट्रिक जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा और ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो लग जाएगा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे होगा हेलिकल नहीं होगा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है सेकेंड ऑप्शन की बात करें थ्री थ्री पी थ्री थ्री और पी इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है फोर्थ सॉरी पहले थर्ड ऑप्शन की बात करें फोरथ टू और आर लिखा है फोर टू आर इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किधर है वाई डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और पार्टिकल एक्सिस के अला मूव कर रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी है इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स किधर है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी वो इस तरफ लगेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इस तरफ ठीक है तो एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर फोर्स के कारण मैग्नेटिक फोर्स तो सिर्फ सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हेलिकल होता भी है तो वो किस डायरेक्शन में होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए पॉजिटिव जेड डायरेक्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की सिंपल है जब तीन ऑप्शन इनकरेक्ट है तो फोर्थ करेक्ट होगा ही इसमें देखो क्या लिखा है फोर वन फोर वन और एस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों सेम डायरेक्शन में है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग तो यहां पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ बच्चों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है जेड डायरेक्शन हम लोग इधर मान ले रहे हैं ये वाई डायरेक्शन था तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स की बात करें क्यू वी क्रॉस बी अगर वी क्रॉस बी करते हैं, नीचे की तरफ तो ये मूव करेगा ऐसे फिर इस तरह घूमते घूमते पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करेगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सिंपल है अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें लिखा इन विच ऑफ द केस पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पे मूव करने का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए नेट फोर्स को हम लोग क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी लिख सकते हैं और ये क्या होना चाहिए ज़ीरो ठीक है और ये ज़ीरो होने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हो जो मैग्नीट्यूड होगा e ई की वैल्यू माइनस वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसा लिख सकते हैं क्यों तो कैंसिल हो जाएगा तो ये रिजल्ट आया पहले तो मैग्नीट्यूड वी क्रॉस बी ये इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन अपोजिट इधर लिख लेते हैं अब बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे टू थ्री एस टू थ्री एस ऐसा कंडीशन दिया है पार्टिकल किधर मूव कर रहा है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस कंडीशन को फुलफिल करेगा देखो यहाँ पर वी का जो मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर है तीनों तो वी का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग साइन 90 लिख दें e बाई बी के इक्वल आ जाएगा ये तो है इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई नॉट अब अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फोर्स की तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इस तरफ हम लोग ये एक्स एक्सेस मान रहे हैं ये वाई एक्सेस मान रहे हैं इधर जेड एक्सेस मान रहे हैं तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है क्यू वी क्रॉस बी कर दे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और अगर आप उसकी वैल्यू लिखोगे क्यू वी क्रॉस बी वी की वैल्यू है ई नॉट बाई बी नॉट और मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जितना फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ यानी पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो आगे हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं बाकी आप चेक कर सकते हो सिंपल है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों देखो ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट इसमें लिखा है अमेट्रिक स्टार द फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्टार इज फोर ए द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज क्या फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ठीक है तो करंट की अगर हम लोग बात करें सब में सेम करंट है करंट आई यहां पर टोटल कितने सेगमेंट होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सिक्स इस तरफ टोटल ट्वेल्व सेगमेंट है सब सिमेट्रिकल है किसी एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ले और उसको ट्वेल्व टाइम्स कर दे हमें आंसर मिल जाएगा देखो अगर इसको आप ऐसे पूरा कंस्ट्रक्ट कर दो तो ये एक इक्विलेट्रल ट्रायंगल बनेगा यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे फिर इसको ऐसे मिला दो एक वर्टिकल लाइन तो ये एंगल थर्टी डिग्री ये एंगल सिक्सटी डिग्री होगा ये समझ में आ गया एक सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर है ये वाला एंगल पूरा कितना है 60 डिग्री सिर्फ इतने से पार्ट की बात कर रहे हैं उसके बाद फिर इसको रीड्रॉ करते हैं देखो अब ये वाला एंगल चाहिए हम लोगों को ये एंगल यहां सेंटर से इसको ऐसे मिला दे ये पार्ट फिर ये पार्ट ऐसे सिर्फ इतने से पार्ट को अगर कंसंट्रेट करो आप तो ये एक हेक्सागोन बनेगा रेगुलर हेक्सागोन रेगुलर हेक्सागोन बन गया यहां से ऐसे मिला दे ऐसे मिला दे ऐसे मिला दे तो ये सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये हाफ हो जाएगा यानी 30 डिग्री तो ये एंगल 30 डिग्री ये एंगल है 60 डिग्री बस हमारा काम हो गया बच्चों फाइव वन फाइव टू मिल गया अब क्या फाइंड करना था इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करना है ये डिस्टेंस फोर है अब देखो जरा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों ये डिस्टेंस फोर ए है ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये चारों इक्वल होंगे इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ए तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग ए लिख देते हैं अब पी पॉइंट पर वायर ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले उसकी वैल्यू लिख दे। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा ई बाई फोर पाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू थीटा वन के लिए एक एंगल तो हम लोग सिक्सटी डिग्री ले लेते हैं दूसरा थीटा टू देखो ये लाइन के इस तरफ होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इस एंगल को नेगेटिव लेंगे तो ये साइन माइनस थर्टी डिग्री हो जाएगा ये एक सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसको 12 टाइम्स कर दो तो पूरे के पूरे स्टार सेव्ड स्ट्रक्चर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा अब देखो साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू और ये माइनस इधर ले, ले लेना 1 बाई 2 टू से ये कैंसिल हो जाएगा सिक्स आएगा म्यू नॉट आई बाई फोर पाई ए यहाँ पर रूट थ्री बचेगा यहाँ पर माइनस वन अब चेक करना है यहाँ रूट थ्री प्लस दिया है माइनस वन यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर एट था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखो इसमें क्या लिखा है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू थ्री आर बाई टू ये डिस्टेंस थ्री आर बाई टू लिखा है रीजन टू इन द फिगर पॉइंटिंग नॉर्मली इन टू पेपर प्लेन ऑफ द पेपर यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी गिवन है आर्टिकल विध चार्ज प्लस क्यू एंड मोमेंटम पी डायरेक्टेड अलॉन्ग दस रीजन टू फ्रॉम रीजन वन एट पॉइंट पी वन और यहां पर माइनस आर यानी डिस्टेंस आर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट अब हम लोगों को चेक करना है बच्चों करेक्ट आंसर सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें लिखा है फॉर बी ग्रेटर देन टू बाई थ्री पी क्यू आर द पार्टिकल विल री एंटर रीजन वन ध्यान देना अगर यहां से मूव कर रहा है रेडियस की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं एम वी बाई क्यू बी क्यू के बदले कैपिटल q लिखा है तो हम लोग भी कैपिटल q लिख देते वैसा है।, है अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखा है देखो अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ये घूम करके यहां से वापस ऐसे आ जाएगा या हम लोग कह सकते हैं कि जो रेडियस है ये रेडियस अगर थ्री आर बाई टू से कम हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर तब ये पार्टिकल वापस रीजन वन में आ जाएगा तो ये आर थ्री आर बाई टू से कम होना चाहिए हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना बी को उस तरफ ले जाओ आप क्या लिख सकते हो इसी की वैल्यू यहां लिख दे एम वी बाई क्यू बी यहाँ आ गया टू इस तरफ आएगा टू बाई थ्री आर अब चेक करो क्या यही लिखा है देखो बी इज ग्रेटर देन टू बाई थ्री पी ये एम वी को आप पी लिख सकते हो ना मोमेंटम पी बाई क्यू आर यही तो लिखा है अगर ऐसा कंडीशन है तो पार्टिकल वापस रीजन वन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है सेकंड की बात करते हैं इसमें लिखा है व्हेन द पार्टिकल री एंटर्स रीजन वन थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ यह है लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ इसके लिए देखो रेडियस हम लोग क्या लेंगे ये बिल्कुल थ्री आर बाई टू से होकर के ऐसे मूव करेगा तब यह लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ होगा इन रिजन टू द मैग्नेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट पी वन एंड द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस इज पी बाई रूट टू ध्यान देना बच्चों यहां पर जब एंटर किया मोमेंटम पी था जब यहां से बाहर जाएगा मोमेंटम माइनस पी हो जाएगा तो अगर हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम यहां क्या हो जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी टू पी ठीक है ना एक पी इधर है इधर माइनस पी है तो चेंज इन मोमेंटम उसका मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम माइनस टू पी मैग्नीट्यूड टू पी यहाँ क्या लिखा है पी बाई रूट टू ये सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है अब थर्ड ऑप्शन की बात करें इसमें लिखा है फॉर अ फिक्स्ड पार्टिकल फॉर अ फिक्स्ड बी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फिक्स्ड है फॉर अ फिक्स्ड बी पार्टिकल्स ऑफ सेम चार्ज क्यू एंड सेम वेलोसिटी वी यानी कि देखो बी को फिक्स कर दिया क्यू को फिक्स कर दिया और वी को भी फिक्स कर दिया द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी वन एंड द पॉइंट ऑफ री एंट्री इन रीजन वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल एक बार हम लोग चेक करेंगे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो रेडियस क्या लिखेंगे एम वी बाई क्यू बी ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा टू आर तो अगर आप टू आर कर दो ये टू टाइम्स हो जाएगा अब क्वेश्चन में लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट हो गया चार्ज कांस्टेंट है वेलोसिटी को भी फिक्स कर दिया तो अब ये जो डिस्टेंस है ये एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जबकि यहां लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनकरेक्ट है तो ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया फोर्थ ऑप्शन में लिखा है फॉर बी इक्वल्स टू एट बाई थर्टीन पी बाय एट बाई थर्टीन पी बाई क्यू आर द पार्टिकल विल एंटर रीजन थ्री थ्रू द पॉइंट पी टू ऑन एक्स एक्सिस पी टू यहाँ है पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाना चाहिए चेक करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारा चेक हो गया बच्चों अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करें पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ये चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही ड्रॉ करेंगे ये डिस्टेंस थ्री आर बाई टू है हम लोग मान लेते हैं यहां पर इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है और ये एंगल थीटा ये रेडियस आर जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो क्या था एट बाई थर्टीन पी बाई क्यू आर किसकी वैल्यू थी मैग्नेटिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन था एक बार चेक कर लेते हैं बी की वैल्यू देखो क्या लिखा है एट बाई थर्टीन पी क्यू पी बाई क्यू आर यही लिखा था तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो अब ये आर है ये थ्री आर है पहले तो साइन थीटा की वैल्यू लिखे साइन थीटा क्या हो जाएगा थ्री आर बाई टू आर और आर की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं एम वी यानी कि पी बाई क्यू आर एम वी बाई क्यू बी वैल्यू पुट कर दें देखो क्या आ जाएगा थ्री आर बाई टू और स्मॉल आर की वैल्यू P बाई क्यू बी अब यहाँ से B की वैल्यू भी पुट कर देंगे थ्री आर बाई टू पी इंटू क्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है एट बाई थर्टीन पी बाई क्यू आर देखो P से P कैंसिल हो जाएगा Q और R कैंसिल हो जाएंगे टू से ये फोर टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ गया ट्वेल्व बाई थर्टीन साइन थीटा मिल गया ट्वेल्व बाई थर्टीन थीटा की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा फाइव बाई थर्टी ठीक है अब ये आर है ये आर है ये डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं आर थीटा इस डिस्टेंस को अभी हम लोग वाई मान लेते हैं वाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो देखो y इज इक्वल टू आर माइनस आर थीटा यानी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा ठीक है अब आर की वैल्यू यहां पर है ये आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे चेक करते हैं अगर ये कैपिटल आर के इक्वल आ गया तो एक्जैक्टली exactly इस पॉइंट से होकर के यानी एक्स एक्सिस पर पी टू पॉइंट से होकर पास होगा और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो पहले चेक कर लेंगे बच्चों देखो आर की वैल्यू है पी बाई क्यू बी पी बाई क्यू और बी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे एट बाई थर्टीन और p बाई क्यू आर ऐसा लिखा है वन माइनस कॉस् थीटा लिख दे cos थीटा है फाइव बाई थर्टीन अगर आप वन माइनस कॉस्ट थीटा लिखोगे वन माइनस कॉस् थीटा तो क्या हो जाएगा वन माइनस फाइव बाई थर्टीन सॉल्व करके ये कितना आ रहा है थर्टीन माइनस फाइव एट बाई थर्टीन इसको एट बाई थर्टीन लिख देते हैं अब सॉल्व करके देखें P से P कैंसिल होगा Q से Q कैंसिल होगा एट से एट कैंसिल होगा थर्टीन से थर्टीन कैंसिल हो गया क्या बचा R इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है क्वेश्चन में लिखा ही था इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो माइनस आर इसका मतलब जब यहां से ये पी टू पॉइंट पर बाहर एमिट होगा एक्स एक्सिस पर तो ये बिल्कुल मतलब एक्स एक्सिस पर ही बाहर इमिट होगा ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा ये समझ में आ गया सिंपल है तो एक बार वापस चले उस क्वेश्चन में देखो एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट था सेकंड और थर्ड इन करेक्ट था फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा यानी फर्स्ट और फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन देखो उसमें क्या लिखा है अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज वी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस आर एंड टू आइडियल इंडक्टर्स एल वन एंड एल टू थ्रू सच थ्रू अ स्विच एस एस सोल देर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू

इसमें लिखा है रेशियो ऑफ करंट यहां पे लिखा है करंट थ्रू द एट पर ये इनफाइनाइट ऑफर करेगा यहां से करंट फ्लो नहीं होगा करंट जीरो होगा ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट हो गया अब हम लोग लॉन्ग टाइम की बात करते हैं देखो यहां से आई करेंट फ्लो हो रहा है तो जो टोटल करेंट होगा आई की वैल्यू ये वी बाई हो जाएगी यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं फिर देखो इसके अक्रॉस दो इंडक्टर हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा हम लोग क्या लिख सकते हैं एल वन डी आई वन बाई डी टी और एल टू डी आई टू बाई डी टी ये इक्वल है डी टी से डी टी को कैंसिल कर दो आप क्या लिख सकते हो एल यानी एल वन डी आई वन इक्वल्स टू एल टू डी आई टू जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक रिजल्ट आएगा एल वन आई वन इक्वल्स टू एल टू आई टू इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई वन बाय आई टू इक्वल्स टू एल टू बाई एल वन करेंट का रेशियो इन दोनों इंडक्टर में जो करंट का रेशियो है वो कांस्टेंट हो गया द रेशियो ऑफ द करंट थ्रू एल टू एंड एल वन इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम फोर्टी ग्रेटर देन जीरो स्टेटमेंट करेक्ट है अब फर्स्ट और थर्ड की बात करें फर्स्ट और थर्ड में आई वन और आई टू की बात हो रही है देखो करेंट थ्रू एल टू यानी आई टू और करेंट थ्रू एल वन यानी आई वन ये हम लोग को चेक करना है तो अब सॉल्व करेंगे बच्चों देखो आई पता है आई वन और आई टू का रेशियो पता है ध्यान देना है इसको फिर से लिखते हैं फर्स्ट अच्छा फर्स्ट तो अभी चेक नहीं किया ना हम लोगों ने कौन सा चेक कर लिया सेकंड वाला सेकेंड वाला करेक्ट है और फोर्थ वाला इनकरेक्ट है इतना चेक हो गया फर्स्ट और थर्ड की बात करें एक इक्वेशन आया था हमारे पास बच्चों आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू आई ये तो होगा ही यहाँ पर आई है यहाँ पर आई वन है यहाँ पर आई टू है लॉन्ग टाइम के बाद की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के बाद ये करंट v बाई आर के इक्वल हो जाएगा दूसरा रिलेशन क्या आया था i1 वन बाई आई टू इक्वल्स टू एल टू बाई एल वन तो इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दो इसको इक्वेशन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी एल टू बाई आर अगर हम लोग आई टू की बात करें आई टू नीचे है तो एल वन आएगा यहाँ पर एल वन बाय एल वन प्लस एल टू और वी बाई आर समझ में आ गया आई वन आई टू अब चेक कर लेते हैं आई वन क्या है एल वन से जो करंट पास हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करेंट थ्रू एलवन इज वी बाई आर एल टू यही लिखा है ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है फर्स्ट में लिखा है करंट थ्रू एल टू यानी कि आई टू आई टू के लिए देखो एल वन वी बाई आर और ये स्टेटमेंट सही है यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों करेक्ट है फोर्थ स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो द स्विच इज एस वन एंड एस टू ये एस वन है एस वन एंड एस टू आर क्लोज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैनेटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोलरिटी आर इंडिकेटेड इन द फिगर देखो इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी वो फिगर में गिवन है इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स द करेंट आई इन द मिडल वायर reaches इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आई मैक्स एट टी इक्वल्स टू टाओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देखो सॉल्व करना है बच्चों तो जैसे ही ये स्विच को क्लोज किया ये स्विच को क्लोज किया हम लोग ऐसे कह देते इसमें एक करंट फ्लो होगा फिर इसमें एक करंट फ्लो होगा यहां से करंट I1 मान लेते हैं यहां पर करंट I2 है देखो ध्यान देना I1 equals to I2 plus, capital I लिख सकते हैं, यानी कैपिटल I की वैल्यू I1 वन माइनस आई हो जाएगी अब ये जो लूप है इस लूप में आप क्या लिख सकते हो I1 को V बाई आर इंटू वन माइनस ई टू दावर माइनस टी और टाइम यहां टाइम कॉन्स्टेंट एल बाई आर लिखते हैं ये आई वन हो गया अब अगर आई टू की बात करें देखो यहां रेसिस्टेंस आर है और ये टू आर है दोनों को लिख देते हैं आई टू आ जाएगा यहां माइनस वी बाई रेसिस्टेंस आर ही है वी बाई आर फिर वन माइनस ई टू पावर माइनस टू यहां पर देखो इसको लिख देंगे टी टी तो टाइम है और एल के जगह टू एल और ये आर समझ में आया ना बच्चों ठीक है हम लोगों को फाइंड क्या करना है आई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और किस टाइम पर ये मैक्सिमम होता है वो टाइम फाइंड करना है पहले और दूसरे ऑप्शन में मैक्सिमम करंट तीसरे और चौथे ऑप्शन में वो टाइम है तो फाइंड करते हैं देखो करंट की वैल्यू अब क्या हो गई आई इक्वल्स टू वी बाई आर ये तो कॉमन आ जाएगा वन कैंसिल हो जाएगा ये टर्म पॉजिटिव में आ जाएगा यानी ई टू दी पावर माइनस टी आर बाई टू एल और फिर ये टर्म है ई टू दी पावर माइनस टी आर बाई एल यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना है डिफ्रेंशिएट कर देना है डी आई बाई डी टी इसको ज़ीरो के इक्वल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे मैक्सिमम करंट होगी ये V बाई आर कॉन्स्टेंट है यहाँ पर आप चेंडू लगा के डिफ्रेंशिएट कर दो e टू पावर माइनस टी आर बाई टू एल ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R बाई एल और e टू दी पावर माइनस टी आर बाई एल यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको क्या लिखना है ज़ीरो तो जब जीरो लिखोगे ये वी बाई आर भी इधर आके जीरो हो जाएगा इन दोनों में से आर बाई एल को कॉमन ले लो ठीक है बचेगा क्या माइनस वन बाई टू ई टू दी पावर माइनस टी आर बाई टू एल एल लिखा है प्लस ई टू दी पावर माइनस टी आर बाई एल कोई दिक्कत तो नहीं है इस टर्म को उठाकर इधर ले आते हैं तो वन बाई टू ई टू दी पावर माइनस टी आर बाई टू एल क्योंकि तो ये टर्म तो जीरो ही है अब हमें क्या करना है मतलब ये टर्म इसको इस तरफ ले जाएंगे एल इधर आर इधर जीरो हो जाएगा ये मेरे कहने का मतलब तो ये जो टर्म है अब ये टर्म की वैल्यू जीरो होनी चाहिए इसको ये नेगेटिव था इस तरफ ले आए यहां पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी आर बाई एल अब इसको मिटाते हैं बच्चों ध्यान दो टू को उस तरफ ले जाए यहाँ टू आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू दी पावर t ये नेगेटिव है ना प्लस में आ जाएगा टी आर बाई एल माइनस टी आर बाई टू एल तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा e टू दी पावर टी आर बाई टू एल इक्वल्स टू टू लॉग लगा देना है लॉग लगा के सॉल्व करोगे टी आर बाई टू एल इक्वल्स टू लॉग टू तो ये जो टाइम आएगा ये क्या आ जाएगा टू एल बाई आर लॉक टू और इस टाइम को टाइम टाउ से रिप्रेजेंट किया गया है जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम होगी तो ये टाइम एक तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा थर्ड और फोर्थ में यह टाइम लिखा था चेक कर लेंगे कौन सा सही है फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखा है मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट के लिए देखो बच्चों ये वैल्यू है अब इधर का पार्ट मिटा देते हैं अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है ठीक है मैक्सिमम करंट के लिए देखो ये टर्म V बाई आर इसको रहने देते हैं यहां पर e टू दी पावर माइनस यानी वन बाई अब e टू दावर टी आर बाई टूएल्व होगा टी आर बाई किसके इक्वल है टू के इक्वल इसको नीचे ले आओ जो टर्म है आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो ना यानी कि ये टू का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों सिंपल है वी बाई आर वन बाई टू माइनस वन बाई फोर ये वन बाई फोर हो जाएगा यानी वी बाई फोर आर ये अब मैक्सिमम करंट है और ये टाइम है ठीक है अब चेक करते हैं हम लोग देखो वी बाई फोर आर ये मैक्सिमम करंट ऑप्शन नंबर टू और टाइम के लिए टू एल बाई आर लॉक टू ऑप्शन नंबर फोर इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो इसमें क्या लिखा है टू इंफिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाई इन द एक्स वाई प्लेन अलॉन्ग द लाइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर द वायर लोकेटेड एट एक्स इक्वल्स टू प्लस आर कैरीज अंस्टेंट करेंट आई वन

क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो बच्चों हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक्स और वाई ऑप्शन को चेक करने से पहले एक बार समझ लो ये जेड एक्सिस मान लें यहां एक्स एक्सिस है ठीक है वाई एक्सिस हम लोग से दूर अवे की तरफ है एक्स वाई और यह पॉजिटिव जेड एक्सिस है ऐसा है अब यहां पर एक लूप है इसमें करंट टॉप से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे एक वायर यहाँ रखा है एक्स इक्वल्स टू प्लस आर पर एक वायर यहाँ रखा है एक्स इक्वल टू माइनस आर पर इसमें जो करंट है वो आई वन है इसमें जो करंट है ये आई टू है और इसमें करंट आई है ठीक है अब देखो ध्यान देना पहला में क्या लिखा है इफ आई वन इक्वल्स टू आई टू अगर आई वन और आई टू इक्वल है यानी दोनों का डायरेक्शन भी सेम है मैग्नीट्यूड भी सेम है देन मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एट द ओरिजिन ओरिजिन पर बात करें इस पॉइंट पर मान लो कि इसके कारण भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करंट है इससे भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करंट है तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं बच्चों अगर I2 के कारण I2 देखो करंट इस तरफ है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर थंब को इधर रखेंगे फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऑरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा नीचे ये आई वन, ये भी उसी डायरेक्शन में है थंब को उधर रखना है अब इस तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऊपर आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो ये आई वन और आई टू का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होंगे उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा लेकिन ये जो लूप है इस लूप के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है वो तो जीरो नहीं होगा तो यहां पे लिखा है बी कैन नॉट बी इक्व टू जीरो सही लिखा है ठीक है ये जो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए सेकंड में लिखा है इफ आई टू इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है आई वन आई वन पॉजिटिव यानी आई वन इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ऊपर की तरफ एंड आई टू इज नेगेटिव आई टू आपकी तरफ है इधर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किधर होगा ये भी ऊपर की तरफ तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है रिंग का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है लिखा है देन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल टू जीरो एट द ऑरिजिन हो सकता है अगर करंट की सुटेबल वैल्यू ले लें इन दोनों करंट के कारण डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण लूप के कारण अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है थर्ड में देखो क्या लिखा है इफ आई वन इज लेस देन जीरो एंड आई टू बस साइन को रिवर्स कर दिया है देन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल टू जीरो अगर आप करेंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में ऊपर की तरफ था वो नीचे आ जाएगा रिंग का भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे दोनों डाउनवर्ड हैं तो जीरो कैसे होगा ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट लिखा है फोर्थ ऑप्शन की बात करें यहां लिखा आई वन इक्वल टू आई टू अगर आई वन आई टू इक्वल हो गए तो आई वन और आई टू का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया बचा क्या सिर्फ एक रिंग और उस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अगर हम लोग को लिखना है एक्सेल पॉइंट पर तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वा रेडियस कुछ लिखा है रेडियस आर तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वा प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह रूट थ्री आर है स्क्वायर करोगे थ्री आर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है यह वैल्यू आ गई अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है अच्छा यहां पूछ नहीं रहा रुको ये तो टू लिखेंगे इसमें यहां पूछ ही नहीं रहा यहां पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इतना कुछ नहीं करना ये लिखना ही नहीं है लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड तो देखो किधर होगा इफ आई वन इक्वल्स टू आई टू आई वन इधर है आई टू इस तरफ है दोनों के कारण अब जेड कॉम्पोनेंट की बात करें ध्यान से सुनना बच्चों जेड कॉम्पोनेंट ये जो तो I1 है ना I1 किधर है हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इस तरफ तो अगर इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इधर कहीं हो जाएगा फिर ये भी अगर इस तरफ करंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इस तरफ कहीं हो जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ये किस डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस के अलाउ होगा जेट कॉम्पोनेंट तो होगा ही नहीं यहां पे क्या लिखा है जेड कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट सिर्फ और सिर्फ इस रिंग का होगा और ये रिंग का सेंटर है रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई टू आर अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें नेगेटिव जेड डायरेक्शन है तो माइनस ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो इसमें क्या लिखा है In the xy plane, the reason y equals to 0 has uniform magnetic field B1, and the reason y equals to y less than 0 yani yahan par has another uniform magnetic field B2. Yahan B2 hai, yahan B1 hai, ye Y axis. Hai. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y axis with a speed V0 equals to pi meter per second at T equals to 0 as shown in the figure. Neglect gravity in the problem. ट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बी द टाइम वेन द पार्टिकल क्रॉसेस द एक्स एक्सेस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है फर्स्ट टाइम का मतलब यहां से चलेगा डायरेक्शन के बाद चलो अभी रुक जाओ क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं फिर लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम इफ बी टू इक्वल्स टू फोर बी वन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सेस इज इन द इंटरवल टी इज एवरेज स्पीड फाइंड करना है एक्स एक्सिस के कहलाऊ ध्यान से समझना बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो लैंग्वेज है उसको समझना होगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों में वाई ये जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है ठीक है देखो ये एक लाइन इस तरफ चलना शुरू करेगा सर्कुलर पाथ पे गया यहां तक आ गया रेडियस की बात करें रेडियस आर वन क्या हो जाएगा एम वी बाई क्यू इंटू बी बी के जगह बी वन लिख देते हैं या इसको चलो अभी बी वन लिख दो फिर जैसे ही यहाँ पर आया यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है यह फोर टाइम्स हो गई जब आप रेडियस को फोर टाइम्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को फोर टाइम्स करोगे रेडियस खुद ब खुद वन फोर्थ हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस डिस्टेंस को आप d1 नाम दे दो फिर वापस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d2 नाम दे दो तो d1 और d2 x एक्स एक्सिस में जो टोटल डिस्टेंस होगा d1 वन प्लस डी होगा हम लोगों को एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या लिखेंगे d1 वन प्लस डी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 वन वापिस यहाँ से इस जगह आने में t2 क्लियर हुआ यहां तक अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एम वी बाई क्यू बी है इसको बी वन रहने देते हैं और आर टू को एम वी बाई क्यू और यहां पर फोर बी वन यानी अगर आप इस लेंथ को आर नॉट मान लो तो ये क्या हो जाएगा फोर आर नॉट हो जाएगा लेंथ मिल गया बाद में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे ठीक है अब नया स्लाइड ओपन करते हैं बच्चों देखो ध्यान देना टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा टू आर वन प्लस टू आर टू डायमीटर था और टाइम जो है ये यहां, से यहां तक आने में t1 वन बाई टू टाइम लगेगा जो टाइम पीरियड है उसका हाफ फिर यहां से यहां तक आने में भी t2 टू बाई टू टाइम लगेगा ये टू को ऊपर कर देते हैं फोर फिर r1 की वैल्यू है फोर आर नॉट और ये आर नॉट T1 और T2 देखो T1 वन फार्मूला क्या होता है टू पाई एम बाई क्यू बी टू से टू को हटा दो ये कैंसल हो गया या अभी चलो टू ले लेते हैं पाई एम बाई क्यू बी वन बाई बी वन वन बाई बी टू यहां तक समझ में आया ये टू से कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स में ठीक है अब इन सबको मिटा देते हैं देखो ध्यान देना बच्चों ये कितना हो गया फाइव इंटू टू आर नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम बाई क्यू और यहां पे बी लिख दें ये बी टू क्या है फोर बी है तो फोर बी जब आप एल्शियम लोगे फोर बी वन आ जाएगा ऊपर में क्या आएगा फोर प्लस वन फाइव फाइव से फाइव को कैंसिल कर दो टू फोर बी ऊपर चला जाएगा फोर आर नॉट की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं एम वी बाय फोर क्यू बी वन ठीक है ये आर नॉट है उसके बाद ये फोर तो ऊपर लिख दिया बी वन एक लिखना है ऊपर और पाई एम क्यू जाएगा ऊपर देखो एम से एम कैंसल बी वन से बी वन कैंसल क्यू से क्यू कैंसिल क्या आ गया ये फोर से फोर भी कैंसल टू वी बाई पाई वी क्या है स्पीड है ठीक है अब हम लोग एक बार चेक करते हैं स्पीड क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया हो उससे सॉल्व कर लेंगे स्पीड दिया हुआ है पाई अब आप यहाँ पर पाई पुट कर दोगे तो टू इन टू पाई बाई पाई क्या हो जाएगा टू मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों टू मीटर पर सेकेंड ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें लिखा मूविंग क्वल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स 50 टर्न्स ईच ईच टर्न हैज एरिया द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द मैग्नेट इनसाइड द गैल्वेनोमीटर इज ये बी गिवन है द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर इज टॉर्शनल कांस्टेंट को सी से डिनोट कर दे रहे हैं वेन अ करेंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑकर्स इफ द क्वाइल रोटेटेड बाई

द वैल्यू ऑफ दिस सन्ट रेसिस्टेंस इन ओम इज अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है सन्ट रेसिस्टेंस ध्यान देना बच्चों सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग लिख दें सी थीटा इज इक्वल्स टू बी आई एन ए फॉर्मूला है देखो सी की वैल्यू गिवन है थीटा गिवन है थीटा सी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एरिया गिवन है सब कुछ गिवन है यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो करंट आएगा पॉइंट वन एम्पियर सिंपल अब देखो. ध्यान देना ये है गैल्वेनोमीटर इसमें करंट जाएगा पॉइंट वन इसके साथ सीरीज में लगा दिया है शंट और अगर टोटल वन एम्पियर करंट है पॉइंट वन एम्पियर करेंट यहाँ से गया तो यहाँ से पॉइंट नाइन करंट करेंट जाएगा इसका रेसिस्टेंस फिफ्टी ओम है एस फाइंड करना है देखो ध्यान देना क्या लिख देंगे 50 इंटू पॉइंट वन इज इक्वल टू पॉइंट नाइन इंटू एस ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल हो गया एस की वैल्यू 50 बाई नाइन और 50 बाई नाइन को 5.55 लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5.55 सिंपल है आगे बढ़ते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट है 15 ध्यान देना बच्चों

v not velocity से x-axis के along move कर रहा है और magnetic field इस तरफ है आपकी तरफ magnetic field की value given है v not B not l beta ये सब positive constant है delta phi ये potential difference है यानी emf एम एफ पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच हम लोग ई एम एफ जो कैलकुलेट करते हैं डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ध्यान देना बच्चों ये जो तो वायर है इस वायर को हम लोग ऐसा मान लेते हैं इसका प्रोजेक्शन वायर यहाँ से वाई डिस्टेंस पर ये वाई डिस्टेंस मान लो वाई डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेगमेंट डी वाई लेंथ मान लें और इस डी वाई लेंथ की वेलोसिटी क्या है वी नाट तो उसमें जो ई एम एफ या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू वी नॉट इन टू एल अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग पुट कर दें यहीं पे पहले लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई एल टू पावर बीटा वी नॉट डी वाई ऐसा लिखा है ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा फाइव के टर्म में लिखा है कंफ्यूज मत होना ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है चलो अभी हम लोग ए सिंबल यूज कर लेते हैं बी नॉट वी नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा वन प्लस वाई टू दी बीटा बाई एल टू दी पार बीटा टा डी वाई लिमिट कहां से कहां तक लेंगे जीरो से एल तक अब जरा इसको सॉल्व करो बी नॉट वी नॉट यहां पर आएगा वाई यहां पर आ जाएगा वाई टू पावर बीटा प्लस और बीटा प्लस लिमिट लगाना है टू एल टू दी पावर बीटा प्लस वन होगा एल टू दी पावर बीटा कैंसल हो जाएगा एक एल यहां एक एल यहां कॉमन आ जाएगा जीरो डालने पर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है एल वन प्लस वन बाई बीटा प्लस वन ये रिजल्ट आ गया ई एम एफ ठीक है अब बाकी सबको मिटा देते हैं फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये है अब हम लोग वापस चलते हैं ऑप्शंस पे देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है डेल्टा फाइव इक्वल्स टू यानी ई एम एफ जो है फोर बाई थ्री बी नॉट वी नॉट एल होगा अगर बीटा की वैल्यू टू है पुट करके देखो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल डेल्टा फाइव का जो रिजल्ट आया है बी नॉट वी नॉट एल और यहां वन प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बस ये रिजल्ट है अब इन सबको मिटा देते हैं बच्चों देखो ध्यान देना पहले वाले ऑप्शन में आपको बीटा की वैल्यू क्या रखनी है टू जब टू रखोगे ये वन बाई थ्री आएगा सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वन प्लस वन बाई थ्री यानी फोर बाई थ्री तो देखो फोर बाई थ्री लिखा है बच्चों फोर बाई थ्री बी नॉट वी नॉट एल ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है सेकंड में लिखा है डेल्टा फाइव रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रेट वायर अलोंग स्ट्रेट वायर वाई इक्वल्स टू एन इनिशियली वाई इक्वल्स टू एक्स ऑफ लेंथ रूट एल यहां से यहां तक अगर ये वाई इक्वल्स टू एल एक्स हम ले लें यह लेंथ टू एल है देखो ध्यान देना बच्चों मैं फिर से आपको ड्रॉ करके समझाता हूं ऐसा कुछ कंडीशन है यहां से यहां तक यह लेंथ है रूट टू एल ठीक है दिख रहा है रूट टू एल तो इसका x कॉम्पोनेंट भी l होगा y कॉम्पोनेंट यानी y प्रोजेक्शन भी l होगा y प्रोजेक्शन l आया तो वैल्यू जो होगी अब देखो वापस आते हैं क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है यह रिजल्ट सेम होगा क्योंकि वाई प्रोजेक्शन बदल नहीं रहा यह मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलाग चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस में तो चेंज ही नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड तो डिपेंड किस पे कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन लेंथ है एल पर डिपेंड कर रहा है और क्वेश्चन में लिखा है अगर रूट टू एल ले लें वाई इक्वल्स टू एक्स के अलोंग यानी यह फोर्टी फाइव डिग्री तो भी रिजल्ट सेम होगा सही लिखा है थर्ड में डेल्टा फाइव प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस यही तो है प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग इसके प्रोपोर्शनल है बिल्कुल सही लिखा है बच्चों तभी तो हम लोग वाई के अलोंग कॉम्पोनेंट ले रहे हैं क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कॉम्पोनेंट है उससे कोई मतलब नहीं फोर्थ में देखो क्या लिखा है बीटा की वैल्यू अगर जीरो ले लें बीटा की वैल्यू जीरो लोगे तो वन प्लस वन टू बी नॉट वी नॉट एल आएगा ये हाफ लिखा है फोर्थ इनकरेक्ट है तो इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हो गया बच्चों नेक्स्ट है देखो इसमें क्या लिखा है टेन सेंटीमीटर लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑन अ पेयर ऑफ अर्जेंटल रेल्स ऑफ जीरो रेसिस्टेंस वन साइड ऑफ द रेल्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ वन मिली हेनरी रेसिस्टेंस वन ओम एस सोन इन द फिगर ये वन मिली हेनरी है यह वन ओम है सेम प्लेन विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू वन टेस्टला परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड देखो ये क्रॉस दी है फ्रॉम द ऑब्जर्वर ये वन टेस्टलाफ द की एस इज क्लोज एट सर्टन इंस्टेंट द करेंट इन द सर्किट आफ्टर आफ्टर वन मिली सेकेंड इस सर्किट में जो करंट है एक मिली सेकेंड के बाद वो हमें इस फॉर्म में लिखा है एक्स की वैल्यू बतानी है ध्यान देना बच्चों इसमें जो ई एम एफ होगा क्या लिख देंगे बी वी एल बी की वैल्यू वन टेस्ला गिवन है स्पीड वन सेंटीमीटर है और एल की वैल्यू क्या गिवन है सॉरी एल ये लेंथ है लेंथ टेन सेंटीमीटर गिवन है तो टेन सेंटीमीटर को आप वन बाई टेन मीटर लिख सकते हो या 0.1 तो 10 टू द पावर -3 वोल्ट ये क्या आ गया ईएमएफ आ गया अब देखो ये एलआर सर्किट है स्विच क्लोज करने पर एलआर सर्किट है इसके लिए आप टाइम कांस्टेंट की अगर बात करो टाइम कांस्टेंट होता है एल बाय आर एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी आर की वैल्यू 1 यानी ये 1 मिली सेकंड है और हमें 1 मिली सेकंड के बाद ही करंट फाइंड करना है यानी कि टाइम भी टाइम कांस्टेंट के इक्वल ही है यह समझ में आ गया इक्वेशन क्या लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट आई इज इक्वल पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट ये वन बाई e हो जाएगा आई नॉट की वैल्यू क्या लिख दोगे बच्चों e e और ये one वन माइनस वन बाई की वैल्यू गिवन है वैसे हम लोग ये बार बार सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू पॉइंट सिक्स थ्री आती है e की वैल्यू टेन टू दावर माइनस थ्री है और क्या है वन तो ये आ जाएगा पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर समझ में आया X जो यहां लिखा है X की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट सिक्स थ्री यही आंसर हो जाएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें देखो क्या लिखा है अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज कैप्टॉर्जेंटली एंड इज फ्री टू रोटेट ये जो एल्यूमिनियम का डिस्क है अबाउट इट्स एक्सेस एस सॉर इन द फिगर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अब द डिस्क अवे फ्रॉम इट्स एक्सेस एक्सेस से थोड़े दूर पे ऐसे रखा हुआ है ऑन डिवॉल्विंग द मैगनेट अबाउट द एक्सेस ऑफ द डिस्क इसके अबाउट ये मैग्नेट को ऐसे घुमा रहे समझ रहे हो अबाउट द एक्सेस ऑफ द डिस्क दिल अब डिस्क का क्या होगा ध्यान देना बच्चों अगर हम लोग इसको यहां रख रहे हैं और ये एक्सेस है मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये जो है इस चेंज को अपोज करेगा अपोज करने का मतलब अगर मैगनेट इधर जा रहा है तो जो एल्यूमिनियम का डिस्क है वो भी उसके साथ रोटेट करने लग जाएगा देखो पहले में लिखा है रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन अपोजिट नहीं होगा क्योंकि अगर अपोजिट हो गया तब तो रिलेटिव मोशन हो गया ये ऐसे मूव करेगा ताकि रिलेटिव मोशन ना हो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन सही लिखा है फिर थर्ड में लिखा है नॉट रोटेट नॉट रोटेट ठीक है टेम्परेचर ये तो रोटेट करेगा ही बच्चों आगे हम लोगों को सोचना ही नहीं है तो इसका सिर्फ सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखो 18 में क्या लिखा है सर्कुलर कोर एंड एन हैज नेगलेजल रेसिस्टेंस एस ऑन इन फिगर इट्स टू एंड्स आर कनेक्टेड टू टू वायर्स एंड इट इज हैंग्ड बाय वायर्स विद इट्स प्लेन बींग वर्टिकल ठीक है ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है द वायस आर कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विद्ज क्यू थ्रू अ स्विच द कॉल इज इन अर्जेंटल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पैरल टू द मैग्नेट पैरल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल वेन द स्विच इज क्लोज द कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज थ्रू द कॉइल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of angular momentum gained by the coil will be. अब हमें क्या बताना है कि कितना angular momentum होगा? Assume that the discharge time is so short that the coil has hardly rotated during this time. Rotate तो हो नहीं रहा। अगर हम लोग बात करें बच्चों torque की, तो torque यहाँ पर क्या हो जाएगा? B I N A और साइन 90 क्योंकि एरिया वेक्टर इस तरफ होगा इस तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है दोनों के बीच का एंगल 90 साइन 91 वन होता है लिखने की जरूरत नहीं इसको आप डी एल बाई डी लिख दो तो डी एल इधर और बी एन पाई आर स्क्वेर आई साथ में डी टी कर दें ये क्या बन जाएगा एल बी एन पाए आर स्क्वेर और आई डी टी हो जाएगा क्यू अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इन सब में ऑप्शन नंबर टू यही लिखा है पाई फिर एन क्यू यहाँ क्यू बी नॉट चलो इसको बी नॉट लिख दो और सिंपल है तो यानी इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर एटीन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखो इसमें क्या लिखा है द इंडक्टर्स ऑफ टू एल आर सर्किट्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर ये एक दूसरे के साथ लिखे हैं, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन फिगर में गिवन है एस सोन इन द फिगर द वैल्यूज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर्सिस्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस सब कुछ स्पेसिफाइड इन द गिवन सर्किट ठीक है फाइंड क्या करना है आफ्टर बोथ द स्विचेज आर क्लोज साइमल्टेनियसली टोटल वर्क डन बाय द बाज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर बाय द टाइम द करेंट रीचेज देयर स्टडी स्टेट वैल्यू इज इन मिलीजूल मिलीजूल में फाइंड करना है ध्यान देना बच्चों इसमें जो एनर्जी होगा हाफ एल आई स्क्वायर इस इंडक्टर में इसमें भी हाफ एल आई स्क्वायर और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का एनर्जी होगा तो टोटल अगर हम लोगों को लिखना है यहीं कहीं लिख लेते हैं हाफ एल वन आई वन स्क्वेर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वेयर प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस में दोनों हो सकता है प्लस माइनस एम आई वन आई टू फॉर्मूला होता है बस वैल्यूज को पुट करना है देखो जरा इसमें ये फाइव वोल्ट है ये फाइव वोल्ट फाइव ओम है तो आई वन मैक्सिमम स्टेट स्टेट में क्या आएगा फाइव बाई फाइव यानी कि वन एम्पियर आई टू की बात करें ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी बाई टेन यानी डायरेक्ट लिख दें टू एम्पियर ठीक है उसके बाद फिर एल वन टेन है वैल्यूज को पुट करना है यहां पे पुट कर देते हैं हाफ टेन मिली हेनरी मिली को मिली में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आंसर मिली जुल में रखना है ठीक है बच्चों फिर I1 की वैल्यू वन है प्लस हाफ L2 L2 कितना है ट्वेंटी I2 की वैल्यू क्या है टू का स्क्वायर फोर प्लस माइनस M की वैल्यू है फाइव ये भी मिली हेनरी है आंसर मिली जूल में करना है कोई यूनिट चेंज नहीं करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा वो I1 I2 क्या है वन इंटू टू वन टू आ गया सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा देखो तो ये वैल्यू आ गई बच्चों फाइव ये क्या हो जाएगा ये टू से टेन टाइम्स में कैंसिल करो फोर्टी और ये प्लस माइनस टेन तो जब आप प्लस साइन लोगे क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव प्लस टेन यानी फिफ्टी फाइव जब आप माइनस साइन लोगे यहां पर तो फोर्टी फाइव माइनस टेन यानी थर्टी फाइव तो दो अलग अलग आंसर पॉसिबल हैं फिफ्टी फाइव मिलीजूल और थर्टी फाइव मिलीजूल ये आंसर्स हो जाएंगे बच्चों ठीक है तो बच्चों उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा तो आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाओं के साथ आज का ये वीडियो यही खत्म करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू